to be his favorite sports. He's been so enthusiastic and happy while playing it. The Charlotte posing along with the football. Thank you, sir. Thank you. See ya. मुझे मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं थी आज। मेरा पूरा दिन भर बहुत हेटिक था। मुझे प्लेयर्स की एनर्जी देखकर बहुत एनर्जी आ गई एंड नाउ आई एम ऑल एनर्जेटिक एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम हियर। बहुत ही थैंकफुल हूँ कि सबने मुझे इनवाइट किया और इतना शानदार गेम देखने को मुझे मिल रहा है।
सुप्रीमो चषक जो है वो फुटबॉल को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, एक ऐसा लीग है जो स्पेशली फुटबॉल के लिए है। हमारी कंट्री में क्रिकेट को ज़्यादा ये मान्यता दी जाती है, तो क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है इस तरीके का लीग जो फुटबॉल को आगे ला सके? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इंडियन जितने हमारी यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा अलग अलग दिशा में सबके टैलेंट्स आज देखने को मिल रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पोडियम्स लाइक सुप्रीमो जैसे सर का है, तो ये सारा एक 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 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कला को निखार सकते हैं, आप जहाँ पे किसी के एक टैलेंट को आप निखार पा रहे हो और उसको आप दिखा पा रहे हो, तभी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। उनमें है क्षमता, हमारी युवा पीढ़ी में क्षमता है, लेकिन शायद वो थोड़ी से प्लेटफॉर्म्स की आज तक कमी थी, जो अब पूरी हो रही है थैंक्स टू सुप्रीमो एंड यू नो लीग्स लाइक दीज, जहाँ पे ना केवल हम क्रिकेट को बल्कि और भी सारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें और उसे इंटरनेशनल पोडियम में लाने लायक बनाएं अपने ही प्लेयर्स को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमें मिले। शालीन, अगर बात करें हम फुटबॉल की, तो आप पर्सनली कितना पसंद करते हैं फुटबॉल? यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ लाइक माई फेवरेट, बट ऑफकोर्स आई वुड लव टू लव माई कंट्री एंड माई कंट्रीज टीम, यू नो समडे व्हेन इंटरनेशनल मार्केट में जब ओलंपिक्स में जब हमारी टीम उतरेगी और वो जीतेगी थैंक्स टू सर एंड उनके सबके प्लेयर्स, तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़ोर से वहाँ स्टेडियम पे जाऊँ और चिल्लाऊँ अपने अपने हिंदुस्तानी प्लेयर्स के लिए वहाँ पे। आपने टॉस किया, आज किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल देख रहा था मुंबई सेंट्रल वर्सेज थाने टीम को, एंड आई थिंक बोथ ऑफ द टीम्स आर सो टैलेंटेड, उनके प्लेयर्स इतने मंझे हुए हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं कि किसी एक को बोलना ना सही नहीं होगा, बिकॉज इसमें किसी एक की सी इट्स अ कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट, ये हमें एकता भी सिखाता है ना, फुटबॉल हमें एकता सिखाता है, क्योंकि आप मिल के एक एक टीम जीतती है, कभी कोई एक बंदा नहीं जीत सकता, जैसे क्रिकेट में एक इंसान 100 रन बना सकता है, यहाँ नहीं बना सकता, यहाँ पर साथ में मिल के ही खेलेंगे तभी वो सबसे अच्छा खेल पाएंगे। सो आई थिंक ऑल दी टीम्स आर वेरी नाइस, आई विश ऑल दी टीम्स ऑल दी वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट प्लेयर्स विन and may the best team make it to the trophy. अगर बात करें आपकी, तो आप कौन सा particular sports है जो पसंद करते हैं? मैं यार ऐसे को मैं बहुत मूडी हूँ, मुझे सारे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बचपन में टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता था, क्योंकि मॉम डैड मेरे बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलते थे, तो उन्होंने मुझे वो बहुत सिखाया हुआ था, और वो क्या होता है कि उसमें आप बाहर पसीना नहीं बहा रहे होते हो तो नहीं, बट ऑल द गेम्स आई लव देम। मैंने फुटबॉल आज तक सिर्फ एक ही ऐसा खेल है जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, वो फुटबॉल है, उसके अलावा मैंने कभी किसी स्पोर्ट्स में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं किया। सो मैं मध्य प्रदेश का, और वहाँ पे JEE होता है जो सिटी लेवल एक वो होता है, एंड आई रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, सो या इन दैट वे आई हैव प्लेड फुटबॉल माय सेल्फ। थैंक यू सो मच। सर पहले अच्छा पास ही में इसमें इंडिया के प्लेयर भी बहुत खेल रहे हैं। हाँ, मुझे स्टीवन के बारे में तो पता है। डोली सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप वो सेकंड डे में इस मैच का? कल का वो यहाँ पर जो दर्शक थे फुटबॉल देखने के लिए मैचेस, रात को 2 बजे तक यहाँ पर पब्लिक वैसी थी जो फर्स्ट मैच में थी, आज देख रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है। ये तो लीग मैच चल रहे हैं, और लीग मैच के बाद जब नॉकआउट होगी, मुझे लगता है ग्राउंड भी हमें कम पड़ेगा, बैठने की जगह और बढ़ानी पड़ेगी। अगर पब्लिक का ऐसा ही यहाँ पर आने का अगर ज़्यादा संख्या में शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कल 2 बजे मैच लास्ट में ख़त्म हुआ, आज 5:30 बजे शुरू है मैच, मुझे लगता है 12 बजे तक ख़त्म होगी, और ज़्यादा करके लोगों आजू बाजू के लोगों को ये देखने को 12 बजे का पहला मज़ा आ जाए। चैलेंजेस जैसे उनार अभी एक्ट्रेस अपने
फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारे स्टार्स फुटबॉल के लिए बहुत काम करते हैं अदिति जी के साथ में। मुझे लगता है ऐसे बड़े बड़े हस्ती अगर ये स्पोर्ट्स में इंटर किया और इनको इंटरेस्ट दिया और बच्चों को सपोर्ट किया तो फुटबॉल भी क्रिकेट जैसा ही हिंदुस्तान में मशहूर होगा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और जो संजय जी का ये इनिशिएशन है और इनका ये योगदान है, ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, एक मिसाल बनना चाहिए पूरे देश के लिए कि ऐसे टूर्नामेंट्स रखें जहाँ पे हमारे जो लोकल टैलेंट है, जो हमारे जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो अपने वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने प्रदेश को, वो उनको वो मौका नहीं मिलता, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और संजय जी के इस इनिशिएशन के ज़रिए उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे सब उनके जो टैलेंट है उसको देख सकें और उसको सराह सकें और वो एक दिन यही बच्चे जाकर देश को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल ओलंपिक्स में और हम सबका नाम रोशन करें। थैंक यू।